कैसा लग रहा तेरे को? मजा आया? नहीं मजा आया, एंजॉय कर रहा? नहीं हाँ। अभी हम कुछ खाते हैं, अभी आगे दुकान भी ढूंढते हैं, पीछे जाना पड़ेगा वापस। तो हाँ कहाँ पे? पार वाले नाले में, सीधा रास्ता ऊपर जा रहे हैं। ये पार हाँ। बाइक नहीं जाती ऊपर है ना? काश यहाँ पे रोड होती है, वहाँ पे जाते टॉप पे वापस, तो तुम्हारे लिए मैं शूट करता। यहाँ कहीं पे रोड ही नहीं, कहाँ से जाएं? तो तुम यहाँ पे घर देख सकते हो, पिंक और ऑल एंड, जैसे देखो कहीं पे रेड है एंड कहीं पे दूसरे पक्के भी हैं, कच्चे भी हैं, लेकिन मुझे वो ऊपर देखो मस्जिद चेक करो कहाँ पे बनाई हुई है। ये कश्मीर पे जैसे मकान होते हैं ना पीर पीर की गली या पीर पंजाल पे, जहाँ पे मेरे ख्याल से इधर ज़्यादा ठंड होती है ना, यहाँ पे जब हम वो पहले सोलू वगैरह था तब नीचे बर्फ़ पड़ती थी, इधर कितनी पड़ती होगी? तो बर्फ रहती है पूरी। ठीक है, चलते हैं हम आगे, तुम्हारा आगे हम फोटो शूट करते हैं, रील शूट करते हैं, तुम चेक करना, तो आगे हमसे मिलते हैं जाके। तो गाइस अभी हम देख सकते हो यहाँ पे जो रोड पे पाइप थी वो कुछ ब्लॉक हुई भी, यहाँ से पानी कैसे जा रहा है, क्या बोलती है पब्लिक, रील शूट करी जाए कि नहीं? भाई यहाँ पे नहीं करनी चाहिए, मेरे को तो लग रहा है वहाँ पे करनी चाहिए। तो इतनी सर्दी भी है इधर, तो यहाँ पे मैं फोटो डालूंगा इंस्टाग्राम पे आज शाम को। तो गाइस जाके चेक कर देना और कमेंट करके दिखाना फोटो कैसा बना है। तो गाइस देख सकते हो ऊपर पहाड़ी। तो फाइनली गाइस ये चेक करो भाई, रील कितनी मस्त है, एंड हमने यहाँ पे फोटो भी खींचे हैं, रील भी शूट करी है, सब कुछ करी है, छोटे की भी करी है, इसकी बड़े की भी करी है एंड अपनी भी करी है। तो भाई यहाँ पे इतना मस्त सा व्यू दिख रहा है कि आपको क्या दिखाऊं। अभी हम यहाँ से उतर के हमने पहले व्लॉग शूट करा, फिर हमने फोटो शूट भी करा एंड रील भी शूट करी, एंड तुम्हें हम आगे दिखाएंगे आगे का क्या सीन रहता है। एंड हम अब यहाँ से मतलब ऊपर वाली हमको जिसके लिए आए थे हमने ऊपर टॉप पे जाने के लिए, वो तो हमें रोड मिली ही नहीं, क्योंकि जैसे रोड नहीं, हम कल यहाँ से पैदल जाएंगे यहाँ से ऊपर एंड तुम चेक करना। और यहाँ पे किसी की कैब गिरी हुई है, ये उठानी पड़ेगी नमाज वाली, तो इसको हम रख देते हैं वहाँ पार। तो गाइस जिसकी भी होगी उसे दिख जाएगी, तो वो नमाज पढ़ेगा एंड जो भी गिरेगा, तो जिस बंदे की है वो मैंने रख दी यहाँ पे, वो देख लेगा सामने। एंड देखो गाइस यहाँ पे ये दोनों ना पत्थर फेंक रहे हैं ऊपर, तो एरिया मुझे इतना तगड़ा लगा कि आप बताऊँ मैं आपको, जिसको इस एरिया पे आना है वो कमेंट करे और मैं तुम्हें दिखा दूंगा और कमेंट में तुम्हें लोकेशन भी भेज दूंगा। ये है प्रोड़ी से थोड़ा आगे, ये रोड कोटतरा से भी आती है एंड खियोरा से, दराल वाली रोड है ना, दराल से भी आती है। तुम मुझे मैसेज कर देना या डीएम कर देना इंस्टा पे, इंस्टाग्राम एंड मैं तुम्हें ये लोकेशन चेक करूंगा। और यहाँ पे हमने कैमरा नहीं लाया, जब कैमरा लाया होता तो भाई यहाँ पे हम रील्स इतनी तगड़ी बनाते, इतना तगड़ा फोटो शूट करते ना, तुम भी देख के हैरान हो जाते हैं। एंड चेक करो हमने जाना था वहाँ पे जाएंगे कैसे, यहाँ से तो हम चले जाएंगे नीचे, लेकिन जब वहाँ से जो पानी का छम जा रहा है नीचे, छम उछलता हुआ, हमने उस साइड जाना था फोटो बनाने के लिए एंड जा नहीं सकते। अब निकलते हैं हम यहाँ से, चलें, मज़ा आया सही में। तो वैसे चलते हैं, हम करते हैं बाइक को स्टार्ट एंड निकलते हैं यहाँ से, फिर आगे दिखाते हैं क्या सीन है। तो गाइस अभी हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा रहा है, इतना ज़्यादा भी नहीं, देखते हैं यहाँ पे आगे क्या क्या पता कोई हमें रोड मिल जाए, कोई लिंक ही मिल जाए। एंड नीचे वाला एरिया देखो कितना खतरनाक दिख रहा है, खतरनाक नहीं दिख रहा, कि यहाँ से बंदा कोई नीचे चले जाए तो क्या हालत हो जाएगी नीचे की। एंड हम अभी आगे जाते हैं, कोई लिंक देखते हैं मिलता है कि नहीं। तो मुझे यहाँ पे इतना मज़ा आया क्या बताऊँ मैं आपको, और हमने फोटो बहुत कुछ किया यहाँ पे। एंड अगली बार हम जब आएंगे, हम सुबह आएंगे इंशाल्लाह, एंड जो भी करेंगे अच्छा करेंगे एंड कैमरा ज़रूर लेके आएंगे और माउंट वगैरह सब कुछ सेटिंग करके आएंगे, जिससे आपको आवाज़ भी पूरी क्लियर सुनाई दे। तो एंड हम आगे देख सकते हो आप, यहाँ पे एक घर आ चुका है मदसा, वो ऊपर वाला, एंड यहाँ पे नीचे छोटे कुछ खेल रहे हैं, छोटे नहीं हैं बड़े ही हैं। एंड रिएक्शन ले लो आप, रिएक्शन कैसे देख रहे बंदे, चेक करो भाई मुझे ये समझ आती है बंदे ऐसे देखते क्यों हैं हमें, इन्हों को कैमरे में कुछ क्या दिखता है, जैसे क्या कहते कोई मीडिया वाला आ गया, कोई वीडियो बना रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है, इन्हों को कुछ ऐसा ही लगता है। एंड सो एवर जो भी कुछ सोचेंगे वो इन्हों की चॉइस है, हम कुछ नहीं कह सकते, जो भी करें अच्छा ही होगा। उनको भी कुछ डर लगता होगा क्या पता अभी, क्योंकि गांव का एरिया है, विलेज है, यहाँ पे पता नहीं क्या सीन होगा। अब हम यहाँ से लेते हैं बैग और तुम्हें मिलते हैं हम आगे वाली रोड पे जाके, हम जहाँ से हम जाएंगे। एंड आगे बने रहो हमारे चैनल पे। तो गाइस यहाँ पे कोई ज़ियारत वगैरह, कोई दरगाह वगैरह थी यहाँ पे, एंड यहाँ पे थोड़ी दुआ शुआ कर देते हैं, तो फिर चलते हैं हम आगे। तो गाइस मिलते हैं आगे। तो गाइस यहाँ पे हमने सलाम सलाम कर दिया, तो यहाँ पे ज़ियारत पता नहीं कहाँ पे है, ये पता नहीं चल रहा, लेकिन ये लगा हुआ है, पता नहीं शायद नीचे है या
कहीं भी ऊपर, आई होप कि इधर कहीं नीचे होगी, क्योंकि तभी तो इन्होंने यहाँ पे लगाया। एंड तुम देख रहे हो यहाँ का एरिया कितना मस्त है। एंड यहाँ पे जो क्या बोलते डूले डूले देखो आप कैसे। एंड यहाँ पे खेती बाड़ी का इतना शौक है लोगों को, यहाँ से नीचे तक देख सकते हो। मैं जूम करता हूँ थोड़ा, तो गाइज हर जगह देखो बिल्कुल डूले डूले दिख रहे हैं आपको एरिया। और यहाँ पे बंदे बहुत कुछ करते हैं, मैंने तो भाई ये एरिया चेक करो, मैंने तो यहाँ पे जाना था, यहाँ पे जाना था। क्या कर रहे हैं यार, रोड नहीं दिख रही, हम पैदल जाना पड़ेगा। एंड यहाँ पे रोड वगैरह कुछ है ही नहीं, ऊपर जाने का कोई ऐसा एरिया ही नहीं सिस्टम। एंड तो हम शफी की शादी पे भी आए थे, उससे वो रोड है, वही रोड है, ये रोड कहाँ जा रही है। अब मुझे ये पता नहीं चला घर कौन सा था, वही मैं चेक कर रहा हूँ। मैं शफी की शादी पे आया था ना यहाँ पे, वो फ्रेंड की जब हमने दोस्ती लगाई थी, मैंने फोटो वगैरह शायद व्लॉग शूट करा था शायद, अभी आई होप कि क्लियर नहीं पता चला करा था कि नहीं करा। मेरे ख्याल से हम कौन सी रोड आए थे, रोड तो पाली ऐसे, लेकिन ये जो ये रोड दिख रही है ना, ये जो ये आ रही दिख रही है, यहीं से मेरे ख्याल से ऊपर, अब वो घर नहीं दिख रहा क्योंकि मेरे ख्याल से उस साइड वाली साइड है। एंड हम निकलते हैं हम यहाँ से, हम आगे दिखाते हैं आपको क्या सीन रहता है। तो यहाँ से बाइक को मोड़ते हैं, यहाँ पे देखो किसी बंदे ने ना टैंकी तेल वाले के ऊपर लिफाफा रखा हुआ, कोई तेल पानी वगैरह ना पड़ जाए। एंड यहाँ से हम निकलते हैं आगे, तो आगे दिखाते हैं आपको क्या सीन रहता है। आप सीधा हम जाके मिलते हैं आपको आगे। एंड और कोई तगड़ी सी चीज़ दिखी तो हम तुम्हें पक्का दिखाएंगे, एंड तुम्हें आगे भी दिखाएंगे आगे क्या करेंगे हम। ठा अभी हम शॉप से कुछ स्ट्रिंग वगैरह एंड चिप्स वगैरह लेके आए थे, अब वो खाते हैं और पीते हैं, फिर निकलते हैं यहाँ से आगे। एंड चल यहाँ भी आओ ना, यहाँ पे बैठ के खाते हैं, फिर हमें आगे दिखाते हैं। ये इसी रोड पे जाएंगे हम, अब रोड बहुत तगड़ी है क्योंकि पहले हमने ऑफ रोडिंग की ना, बहुत थक गए थे एंड इतने खड्डे थे क्या बताएं। अब चलते हैं आगे, आगे देखते रहो आप आगे। तो गाइस अभी हम यहाँ से निकल चुके हैं घर के लिए, एंड अब हम चलते हैं सीधा घर पे, और तुम्हें थोड़ा सा हम यहाँ का व्यू भी और चेक कराते हैं। एंड अब हम यहाँ पे सीधा जा रहे हैं, बिल्कुल पक्की रोड है, बिल्कुल पक्की, और अब आगे देखते हैं कहीं पे ऑफ रोड ना आए तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि आते टाइम हमारी जो हालत हुई है ना, काश हमने हेलमेट और माउंट वगैरह लाया होता, फिर तुम्हें हम दिखाते क्या क्या सीन था। जब वो लाया होता तुम पक्का देखते भाई, पक्का पक्का व्लॉग पूरा चेक करते, लेकिन देखते हैं आप तुम अब भी चेक करते हो कि नहीं। तो गाइस अभी आगे मिलते हैं आपसे। तो गाइस बहुत मजा आया, और छोड़ो क्या हाल है आपका, ठीक हो? ये तो कुछ बोल रहे नहीं। तो गाइस यहाँ पे बिल्ली तब चेक कर, देखो बिल्लियाँ यहाँ पे, गाइस एक छोटा बच्चा, एक माँ, तो छोटा बच्चा नहीं यार, दोनों बहन भाई हैं शायद। तो गाइस आज इतना मजा आया, बहुत मजा, इतना इंजॉय किया करा हमने। और अभी हम कहाँ से आए चेक करो आप, वो पहाड़ियाँ जो ऊपर तुमको दिख रही है ना, उस पहाड़ी से हम अभी इधर आए। एंड यहाँ पे भी शाम को लोग देखो रोड पे बैठे हुए हैं, एंड यहाँ पे हवा शवा लगा रहे हैं, तो तुम चेक करते रहो। तो भाई व्लॉग इतना इंटरेस्ट वाला लेना, क्योंकि तुम्हें ना आज के व्लॉग में इतना मज़ा आएगा क्या कहें। तो गाइज़ यहाँ पर देखो बकरी कैसे रोड में बैठी हुई है, एंड आंटी जो है वो चला रहे हैं, तो थोड़ा ही दूर बचा फिर हम पहुँचने वाले घर, फिर मिलते तुमसे आगे आगे क्या सीन रहता है। तो गाइस एक ही हाथ है तभी हम ऐसे कर रहे हैं, लेकिन नहीं तो हम अभी तक ना पहुंच गए होते हैं। तो हमारे लिए अभी आराम से रहे, हम व्लॉग शूट कर रहे हैं तुम्हारे लिए, मत सा आगे भी बने रहो हमारे व्लॉग में। तो गाइस देख सकते हो अभी इधर लोगों ने कनक भी नहीं काटी, हमारी साइड उधर कनक काट के हमने निकाल भी दी। एंड यहाँ पे इतने अच्छी अच्छी जगह हैं, अच्छे अच्छे खेत हैं, क्या बताएं हम आपको। एंड तुम चेक करते रहो आगे भी, एंड जल्द से हम घर पहुंचने वाले हैं, फिर हम मिलते हैं तुम्हें आगे जाके, एंड आगे बने रहो मेरे चैनल पे। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं पीढ़ी, पहुंच चुके हैं, तुम देख सकते हो यहाँ का एरिया। एंड ये रहा स्कूल, तो यहाँ पे हमने पहले भी बहुत बार चक्कर लगाया गाइज, यहाँ पे ग्राउंड देखो स्कूल कितना मस्त है। एंड बाहर पे इन्होंने फ्लैग लगाए हुए और भी खतरनाक, और अंदर बच्चे ग्राउंड में खेल रहे हैं। एंड चेक कर रहे हो आंटी कैसे देख रहे हैं। तो गाइज अभी हम आ चुके हैं फिर से पक्की रोड पे, एंड इतनी भी ऑफ रोड नहीं करा जितना था। और ये आगे आगे सामने ब्रिज ब्लू कलर का है। एंड तो गाइज यहाँ पे एरिया इतना मस्त लग रहा है, हम कहाँ से टॉप से हैं यहाँ पे, एंड वो मस्जिद तुम्हें दिख रही होगी वो ऊपर। एंड गाइज बने रहो आगे मेरे चैनल पे, तो प्यार बसाओ ढेर सारा। एंड जिसने सब्सक्राइब नहीं करा जाके सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। एंड आज की वीडियो इतनी मस्त बनी है क्या बताऊँ। एंड तुम्हें मिलते हैं हम आगे ब्रिज के पास, एंड बने रहो मेरे चैनल पे। तो गाइज देख रहे हो आप यहाँ पे लोगों ने बेस वगैरह खोली हुई है, वो चरा रहे हैं। एंड फिर देखो बंदा देख रहा है कैसे, जैसे कि हम वीडियो में, सही में कह रहा हूँ, जो भी बंदा देखता है ना वीडियो में, आज देख जैसे हम इनको खा के रख देंगे, पता नहीं क्या सीन है इनका। सुनाई नहीं अभी भी पीछे से ऐसे देख रहा है ना, जैसे देखो भाई दरिया के पास छोटे खेल रहे हैं। एंड तुम्हें आवाज़ आई होप कि मस्त क्लियर भी आती होगी, क्योंकि माइक नहीं लगाया ना तभी। तो तुम कहते हो कि हर बार कहते हैं माइक नहीं लगाया। मैं आया था इधर गाँव में कोई काम से, तो मेरा मूड बन गया एंड मैं आ गया इधर, तभी मैंने माइक वगैरह कुछ नहीं करा, ठीक है ना। तो यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, यहाँ पे बकरियाँ वगैरह भी चरा रहे हैं, तुम चेक करो।
एंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। एंड ब्रिज इतना अच्छा लग रहा है, देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे हम क्या करें आप, बहुत टाइम, बहुत अंधेरा भी पड़ने वाला है, फोटो वगैरह कुछ नहीं होगा। देख सकते हो छोटे कैसे बकरियाँ चुरा रहे हैं, एक ने हाथ में पकड़ी भी है। एंड आगे देखो चाची वगैरह बैठे हुए। छोटे क्या हाल है, छोटे बोलते ही नहीं। गाइस देखो आगे कैसे देख रहे हैं अंकल। तो फाइनली हम अभी आ चुके हैं ब्रिज पे, देखो कितनी अच्छा अच्छा और ब्यूटी ब्रिज है। एंड वहाँ पे देखो बंदे और दरिया देख लो पीछे, पहाड़ कितने यार। थोड़ा सुबह आएंगे हम पक्का इंशाल्लाह, जैसे भी कहाँ पे अड़की भी है। तो बने रहो आगे, अब चलते हैं, निकलते हैं आगे, आगे दिखते मिलते हैं आपसे। आपने छोटा ट्रैक्टर देखो भाई, ये देखो छोटा ट्रैक्टर कितना अच्छा लग रहा है भाई, देख जा रहे हैं। एक हर एक हर काम करता है, बाता बाता सब कुछ। तो गैस ये हमने देख लिया। एंड हमें तो मैं एक और चीज़ दिखाता हूँ, ये बन रही है पेड़ी की पार्क। एंड चेक करो भाई गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है इधर, एंड तुम देख सकते हो। और यहाँ पे व्यू भी बहुत मस्त है, यहाँ पे पार्क बनेगी, जब पार्क बनेगी तो हम पक्का आएंगे। तो चलते हैं आप वापस, चलते हैं। तो गाइस चलते हैं हम सीधा आगे, तो आगे देखो। अभी हम पहुंच चुके हैं सनकारी, और मुख्तार भी आ चुका है। और मुख्तार और खालिद, खालिद नई बाइक लिए, नंबर क्या खालिद भाई का, JK11G3672। और नई बाइक, नई बाइक की मुबारक हो, खैर मुबारक। तो पार्टी चले, जल्दी दुकान में चलो, जल्दी जल्दी। खुश है, शेयर करा, ठीक है शेयर ही चला, कोई चक्कर नहीं। तो गाइस निकलते हैं अब यहाँ से, फिर देखते हैं आगे।